जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन किसे कहते हैं। दोस्तों काफ़ी दिक्कतें होती है समझने कि हमारी जो ऊपर की ओर होती है वो तो ईस्टिंग होती है, लेकिन हम कहते हैं कि नॉर्थ साइड है वो, तो उस कन्फ्यूजन को ही दोस्तों मैं इस सेशन में आपको दूर करूँगा। और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए, तो आइए साथ ही में अंत तक देखते हैं। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन यही है कि आज की जो सीरीज़ में कि ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग लाइन किसे कहते हैं। उससे पहले समझने से पहले आपको दोस्तों ग्रिड समझना पड़ेगा। और दोस्तों ग्रिड लाइन, जब भी आप दोस्तों ईस्टिंग लाइन और दोस्तों नॉर्थिंग लाइन आप समझ पाओगे बिल्कुल ईजिली वे में, बिल्कुल सीक्वेंस में दोस्तों मैं बताऊँगा, ठीक है, आराम से बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर ड्रॉ करके, ठीक है ना। उससे पहले दोस्तों आपको ग्रिड और ग्रिड लाइन समझना पड़ेगा। तो ग्रिड लाइन ग्रिड किसे कहते हैं दोस्तों, तमाम मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में यानी मैप रीडिंग की जो प्ले लिस्ट है उसमें तमाम में बताया, लेकिन मैं आपको फिर बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन को समझने के लिए दोस्तों ग्रिड और ग्रिड लाइन समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ उसका जो बैकग्राउंड रोल रहता है वो समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रिड, आपने दोस्तों मोबाइल में देखा होगा जब भी हम फोटो खींचते हैं या है ना, तो एक सामने हल्का सा क्लिक भी हो जाता है हमारे सामने, तो एक बॉक्स बना आ जाता है ग्रिड में, है ना, बिल्कुल सेम उसे ही कहते हैं दोस्तों ग्रिड। और जो वो बॉक्स बना है, जो बॉक्स बना है, आपने इंस्टाग्राम पर फोटो देखी होगी किसी की, तो छोटे छोटे बॉक्सों में दोस्तों अपलोड करता है, और वो जाके जब एक उसकी हम गैलरी देखते हैं तो वो काफ़ी एक अट्रैक्टिव भी होता है, और काफ़ी मतलब बिल्कुल कॉलम्स जो होते हैं बिल्कुल डिवाइड मतलब इक्वल पार्ट में आ जाते हैं, और सारी उसकी फोटो में दिखनी जाती है, लेकिन उसने हर अपने बॉडी के पार्ट को छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड कर दिया, वही होता है दोस्तों क्या ग्रिड, ठीक है जी। अब वो दोस्तों जो बॉक्स है, वो जो चार लाइनों से कोई सा बॉक्स बना है, ये जो बॉक्स है ये चार लाइनों से बना है, इसे ही यानी जो ये चार लाइनों से बॉक्स बना है, यही जो लाइन है यही होती है हमारी ग्रिड लाइन। बस आपने समझ लिया, और आपने ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन भी समझ ली, देख लेते हैं एक बार फिर, ठीक है। तो ग्रिड मैंने आपको बता दिया, कोई सा भी मतलब जो बॉक्स होता है उसे कहते हैं ग्रिड। तो कैसे ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन का दोस्तों मैंने आपको बताया ये देखिए, बिल्कुल ईजिली मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आ, ये हमारी होती है क्या ग्रिड लाइन, ठीक है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों ग्रिड लाइन होती है। तो बिल्कुल ईजिली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है ना, ये आपको क्या रखना है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये मैंने दोस्तों यहाँ पर ग्रिड लाइन खींच दी है ना, ये हमारी होती है, ये इधर से और आती है, ये ओके। एक हमारी जाती है दोस्तों वेस्ट ईस्ट, एक हमारी जाती है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये मैं जो खींच रहा हूँ दोस्तों कहाँ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, और ये वाली जो ऊपर से नीचे से ऊपर वो साउथ नॉर्थ। अब आपको डायरेक्शन भी पता होगी, ये तो हमारी जो होती है नॉर्थ होती है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों साउथ, ये हमारी क्या होती है दोस्तों वेस्ट, ये होती है हमारी दोस्तों ईस्ट, क्या दोस्तों ईस्ट, यानी पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण, आपको ये पता है। अब ध्यान रखो, जो दोस्तों मैंने दो लाइनों का यूज़ करके एक बॉक्स बनाया है, दो लाइनों का यूज़ करके एक बॉक्स बनाया ना, ये देखिए दो लाइन, यानी जो पहली लाइन और दोस्तों ये दूसरी लाइन, इसका यूज़ करके दोस्तों क्या एक बॉक्स बनाया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसे ही कहते हैं दोस्तों ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन। ये जो बॉक्स बन रहा है चार लाइनों से मिलके, इसे ही कहते हैं दोस्तों ग्रिड। तो आपके पिक्चर क्रिएट हो गई होगी, ठीक है जी। अब ध्यान रखना, आप समझते हैं ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन किसे कहते हैं एनसीजी में, तो आपको इजीली मैं बताता हूँ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, जो लाइन साउथ टू नॉर्थ जा रही है, जो लाइन साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ध्यान रखना एक बार फिर बताता हूँ, जो लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है, यानी ऊपर ये वाली लाइन, ये नंबर दे देता हूँ आप समझ जाएंगे, देखिए 11, 12, 13, 14, 15, इसे दे दिया मैंने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और दोस्तों 28 और 29। आप समझोगे आराम से, मैप पर ऐसे होता है, जब आप मैप देखोगे ना, आपने जो प्रिय स्टाफ से उनसे बोलना कि मैप दिखाओ, कैन यू शो मी अ मैप, तो आप ज़रूर इनको ब्रीफली देखना इन पॉइंटों को। तो जो लाइन यानी जो नंबर नॉर्थ साउथ से दोस्तों नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से नंबर जा रहे हैं दोस्तों, यही तो जा रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15 आर रनिंग फ्रॉम साउथ टू दोस्तों नॉर्थ, तो डैट इज़ कॉल्ड, ध्यान रखना ये हमारे क्या होगा दोस्तों ईस्टिंग लाइन, सॉरी नॉर्थिंग लाइन, इसे क्या कहेंगे दोस्तों नॉर्थिंग लाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छे से, इसे कहेंगे नॉर्थिंग लाइन, तो आप अच्छे से ध्यान रखना नॉर्थिंग लाइन, क्या कहेंगे नॉर्थिंग लाइन, यानी उत्तरी रेखाएँ, उत्तरी रेखाएं क्यों, साउथ से दोस्तों नॉर्थ की तरफ जा रही है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है जी। जो नंबर यानी जो रेखाएं, दीज रेखाएं, धोज रेखाएं टू रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डैट इज़ कॉल्ड
दोस्तों क्या ईस्टिंग लाइन, यानी दोस्तों जो वेस्ट है पूर्व की ओर दोस्तों जो नंबर बढ़ रहे हैं यानी जो लाइन बढ़ रही है उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों ईस्टिंग लाइन। तो कौन सी बढ़ रही है दोस्तों 21, 22, ये क्या है वेस्ट की तरफ ही, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 कहाँ की तरफ वेस्ट है, यानी तू वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे ईस्टिंग लाइन। क्या कह देंगे दोस्तों ईस्टिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन जिसे कहते हैं दोस्तों उत्तरी सॉरी पूर्वी रेखाएं, पूर्वी रेखाएं इसे ही कहते हैं दोस्तों पूर्वी रेखाएं। जो लाइन दोस्तों दोज लाइन टू रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दैट इज कॉल्ड दोस्तों नॉर्थिंग लाइन, एंड सिमिलर वे टू दोज लाइन टू रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दैट इज कॉल्ड दोस्तों ईस्टिंग लाइन। तो 21, 22, 23, 24 दोस्तों हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है ईस्टिंग लाइन, यानी जो ऊपर की तरफ, ये ध्यान मत रखना, ये जो बर्डी है ये जो बर्डी है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन और ये लाइन जो लेटी हुई है ये, यानी जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी ईस्टिंग लाइन होगी, जो हमारी दोस्तों जो हमारी वर्टिकल और दोस्तों हमारी जो एक लैंडस्केप में जो होगी ना बिल्कुल कैसे हम जो वर्टिकल और दोस्तों हमारी दूसरी होती है क्षैतिज, ध्यान रखना, तो ये होती है हमारी जो खड़ी है यानी जो लॉन्गिट्यूड है ये हमारी होती है दोस्तों ईस्टिंग लाइन ज्योग्राफिकल टर्म में, और दोस्तों जो हमारी लैटीट्यूड है वो होती है दोस्तों जो लेटी हुई है, ये लेटी हुई है ना ऐसे और ये खड़ी हुई है, तो हमारी खड़ी हुई तो दोस्तों ईस्टिंग, आप ध्यान रखना खड़ी हुई आपने देखना कभी भी तो वो हमारी ईस्टिंग लाइन होगी हमेशा, और जो हमारी लेटी हुई है वो हमेशा नॉर्थिंग लाइन होगी, ठीक है ये ध्यान रखना। ग्रिड किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि दो लाइनों के बीच में जो कॉलम बनता है उसको जो कहते हैं ग्रिड कहते हैं, ग्रिड इसमें जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, और ग्रिड लाइन दोस्तों जो ये भाग वाली लाइन होती है इसमें ही दोस्तों हम क्या फोर फिगर सिक्स फिगर निकालते हैं, तो आपको जानना है फोर फिगर सिक्स फिगर कैसे निकालते हैं, तो आप जाके मैप जो हमारी इससे पहले वीडियो बनी हुई है एम प्लेलिस्ट में जाइए, तो मैप रीडिंग वहाँ प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं आराम से टू नॉर्थ टाइप ऑफ नॉर्थ बैरिंग हाउ टू फाइंड फोर एंड सिक्स फिगर इन द मैप बिल्कुल ईजिली वे में दोस्तों मैंने आपको बताया। टू यू गो मस्ट हेयर एंड टू वॉच टू ऑल द प्लेलिस्ट टू टू इंक्लूड इन द वीडियो, ठीक है ध्यान रखना पूरी देखना आपको इजीली मैं बताएगा, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ऐसा अच्छा लगा और समझ में आया ईस्टिंग नॉर्थिंग लाइन, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।